मैंने शुरू में ही कहा था यहाँ जांच नहीं हो रही है, यहाँ वैक्सीन नहीं लग रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा है और महंगाई से आम जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से भ्रष्टाचारी की सब रही है जननी, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे जो भी लोग नाम ले लें, बैंकों को बेच दिया, रिजर्व बैंक को खस्ता हाल कर दिया, सारे जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो सेंटर रहे सबको उन्होंने बेचने की ताकत लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार ये भारत पेट्रोलियम को भी जिसका कीमत है, जितना लाभ दे रहा है उससे भी कम में वो बेच दिया। तो ये तो काम रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और तर्कों के द्वारा और उनके साथ जो गोदी मीडिया है उनके समर्थन करके करके और उसको वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था यहाँ जांच नहीं हो रही है, यहाँ वैक्सीन नहीं लग रहा है, अभी तक वैक्सीन भी 2% लोगों से ज़्यादा बिहार में नहीं लगा है। जो आंकड़ा हमारा नहीं, सरकार का ही आंकड़ा है, 2% लोग, और ये लंबा हाँक रहे हैं 1 करोड़ लोगों को हम प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। अभी आया है कि 6 लाख लोगों को जगह 1 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा। तो उसी तरह से RTPS, मुख्यमंत्री जी की वो बात को याद रखिए, उन्होंने कहा था कि RTPS जांच होगी और 24 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट दिया जाएगा। किसी को 24 घंटे के अंदर नहीं मिला, 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट मिलने लगा। और अभी तो वैन जो खोला गया जांच के लिए उसमें तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, जो उनके जो पिछलग्गू थे, जो उनके सहयोगी थे, या ये कहिए कि उनके जो पार्टनर थे, उनके माध्यम से उस वैन को खोला गया। और इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, अगर इसको खोला जाए RTPS के सवाल को, वैक्सीन के सवाल पर, ऑक्सीजन के सवाल पर, तो बड़ा घोटाला हुआ। ये सरकार घोटालों पर ही जीवित है। एक सर सवाल है कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है और विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है, क्या RJD की भी कोई भूमिका इस महंगाई के खिलाफ, कोई आंदोलन या किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है, यानी क्या RJD पूरी तरह से BJP से डर चुकी है? देखिए, महंगाई जो अप्रैल में था 4.63 और मई में हो गया 6.83। महंगाई, खुदरा महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आपको डीजल का दाम बढ़ रहा है, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा है, और महंगाई से आम जनता परेशान है। और राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए पूरे रूप से लड़ाई लड़ने के लिए और तमाम विपक्ष पूरे रूप से तैयार है, लेकिन कोरोना काल के कारण जो संकट रहा है, जो डायरेक्टिव रहा है सरकार का, उस प्रोटोकॉल को हमको पालन भी करना है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से इस तरह का बदनाम करने की साजिश की जाए। हम लोगों ने बेरोजगारी के सवाल पर लड़ाई लड़ा तो कोरोना के नाम पर हम लोगों को बदनाम किया गया, लेकिन हम लोगों ने तो दूरी के साथ, सही के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो आज फिर कोरोना संकट के समय है, इस समय इस तरह की बात, लेकिन हम लोग कुछ लड़ाई की रणनीति तैयार कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने कई तरह से, कई फेज की लड़ाई है, उसमें हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जनता के सवालों को लेकर के हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं।